मध्य प्रदेश विधानसभा में आज प्रदेश का वित्तीय साल 2017-18 का बजट पेश किया गया। इस बजट को जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अद्भुत ऐतिहासिक बताया, तो वहीं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने इसे निराशा और हताशा का बजट करार दिया। नेता प्रतिपक्ष ने डीजल से लेकर शिशु मृत्यु दर को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह से हमारे संवाददाता कुलदीप सोनी ने खास बातचीत की। बजट आज पेश हो गया है, लेकिन इस बजट को जहां मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक बताया है, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, हम उनसे जानते हैं बजट ऐतिहासिक है। सीएम का कहना है तो हर चीज में ऐतिहासिक कह देते हैं, लेकिन बजट पूर्ण रूप से निराशा का बजट है। युवाओं के लिए कोई सोच है, न किसानों के लिए कोई सोच है, न बेरोजगारों के लिए कोई सोच है। क्या कहते हैं, जिस तरीके से महंगाई को अगर देखा जाए तो तेल का बहुत अहम रोल होता है, 7-8 रुपए महंगा, कुछ आप जिक्र। यदि सीमावर्ती प्रांत में 8 रुपए प्रति लीटर डीजल कम है तो क्या दिक्कत पड़ी है मध्य प्रदेश में, जो बहुत सारी कल से हम लोग सुन रहे थे कुछ ना कुछ आएगा, टैक्स कम करेंगे और डीजल का भाव कम होगा। डीजल पेट्रोल का ही कम नहीं है, किस तरह की सरकार। यदि मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा कुपोषण है, बाल मृत्यु दर इतना ज्यादा है, सब चीज परेशान है, बालिकाओं के सबसे ज्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, कुछ धर्म हो रहा है, तो किस तरह के मामा भांजे की सरकार है, ये तो पापी मामा हो गया। तो इस तरीके से साफ कटघरे में खड़ा कर दिया अजय सिंह, राहुल ने साफ तौर से ये कह रहे हैं कि जो बजट है वो निराशाजनक है और इस पूरे बजट में कहीं भी आम आदमी को ख्याल नहीं रखा गया है, वहीं डीजल पेट्रोल और साथ ही बाल मृत्यु दर को लेकर भी कटघरे में खड़ा किया है। कैमरा पर्सन अब्दुल रहमान के साथ कुलदीप सोनी, न्यूज वर्ल्ड, भोपाल। तो वहीं बजट के बाद